जी फैजान एंड देन अरसलान प्लीज. थैंक यू रजा फखर, बहुत अच्छा नॉक खेला, बट जिस अंदाज में आपका नॉक खत्म हुआ और अभी से बातें शुरू हो गई कि क्विंटन डी कॉक ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया था, क्या आप समझते हैं कि वो फेक फील्डिंग वहां पर क्विंटन डी कॉक ने की थी जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हुए और आप रन आउट वहां हो गए? और सेकेंडली, जब आप एक बॉल लगती है बवामा की हेड पर कैच ड्रॉप होने के बाद, आप समझते हैं वहां भी पाकिस्तान को 5 पेनल्टी रन मिलने चाहिए थे? इन दो इंसिडेंट्स को जरा आप बात करते थोड़ी सी. लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता. और जी अरसलान जी, फखर ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत इनिंग खेली है आपने और एक यादगार इनिंग होगी यकीनन आपके लिए, लेकिन क्या समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर में लगातार पाकिस्तान टीम की नाकामी, इससे पहले हमने मिडिल ऑर्डर मुकम्मल चेंज कर दिया, नए लड़कों को मौका दिया, आसिफ अली भी दोबारा आज उन्हें मौका दिया गया था, कहाँ समझते हैं कि कहाँ कुताही हुई, कहाँ कोई एक प्लेयर आपके साथ अगर टिक पाता तो रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ होता, तो या आप समझते हैं कि टेल एंडर्स में भी अगर कोई स्ट्राइक रोटेट करता रहता तो फिर भी पाकिस्तान का ये आज के मैच का रिजल्ट थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता था, कहां पे जाके जो है वो पाकिस्तान ने मैच अपने हाथ से गवाया? जी देखें, जो यहाँ के विकेट हैं जितना लड़ारा में भी खेला हूँ, यहाँ पे अगर बैट्समैन आता है तो शुरू के जो 10-15 रन होते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं कोई भी आता हो, तो अनलकी हम लोगों के बैट्समैन सेट नहीं हो पाए उस तरह के वो 25-30 बॉले खेले, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप विकेट पे खड़े नहीं होते तो शुरू में रन नहीं बनते, ये मतलब एशियन विकेट्स की तरह है नहीं, यहाँ पे बाउंस काफी ज्यादा होता है, तो मेरे हाल में जो हमारे खेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस जिताए हुए हैं इस तरह, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे लक में गया नहीं है, जो कोई बैट्समैन सेट हुआ नहीं, एक बाबर था जो थोड़ा सा सेट हुआ है लेकिन उसके अलावा कोई सेट नहीं हुआ, तो इस वजह से हमारे जल्दी जल्दी आउट हुआ है, तो मेरे ख्याल में आप ये नहीं कह सकते इनएक्सपीरियंस है, लेकिन जल्दी आउट हो गए अगर थोड़ी सी भी पार्टनरशिप लगती तो हम लोग. जी आमिर प्लीज. जी फखर अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली आप वो जो फैजान ने जो पहला सवाल पूछा था, प्लीज वो आप वो सही आवाज नहीं आई उसकी, तो आप बता सकते हैं फिर से कि ये जो लॉज के बारे में कि आपका जो रन आउट और वो जो 5 रन जो बबुमा की हेड पे लगे थे उसके बारे में जरा हमें बताएं, आप पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इस बात को क्यों नहीं उठाया, बिकॉज ये काफी क्लियर थी चीज. आमिर ऑलरेडी फखर ने इसका रिप्लाई कर दिया हुआ है, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा उससे प्लीज हो जाएगा. रजा भाई वो बिल्कुल ना उसकी ऑडियो डिस्टॉर्ट हो गई थी, कुछ नहीं आया उसका, इसलिए मैं कह रहा था. मेरा सवाल है सर, फिलहाल भाई मेरे ख्याल तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, उसमें ज्यादा गलती मेरी ही है कि मैं हारिस को देख रहा था, मैं समझा कि क्योंकि हारिस थोड़ा लेट निकला था तो मैं समझा कि हारिस रन हो गए वहां पर, तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे देखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑनेस्ट मतलब, और ये बाकी मैच रेफरी का काम है, मैच रेफरी वो रेट में भी हमारे पीछे आए थे पिछले मैच में, तो हो सकता है इसका भी वो करें, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा. जी हाफिज प्लीज. मेरा सवाल है सर. अस्सलाम वालेकुम फखर. फखर अगर हम देखें जिस तरह आप खेल रहे थे और जिस तरह बॉलिंग हो रही थी, लेकिन लगा कि शायद बाकी बैट्स तो थोड़े से किसी शेल में है या कोई ओवर जो जब रेट ओवर रन रेट ज्यादा हो गया था तो उस प्रेशर पे थे, या क्या वजह थी कि जिस तरह आप खुला खेल रहे थे बाकी बैट्समैन उस तरह नहीं खेल पाए? तो पिछले मैच में भी देखें दो बैट्समैन ऊपर से अच्छा खेले लेकिन उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आया, तो आज भी कुछ ऐसी सूरतें आ रही थी, क्या हमने बैट्समैन अभी तक वहां एडजस्ट नहीं कर पाए या कोई और वजह है आपके ख्याल? देखिए मैं पहले भी यही बोला कि यहाँ पे आप पहले नंबर के बैट्समैन हो या आप 11वें नंबर के बैट्समैन हो, जब आप शुरू के 10-15 बॉल बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ये आजम हो इमामुल हक हो कोई भी आज शुरू में ये विकेट ऐसी है, क्योंकि हम लोग हमेशा से अपने पाकिस्तान में खेलते हैं, एशियन विकेट्स में खेलते हैं, तो यहाँ पे शुरू में जो 10-20 बॉल हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और अनलकीली हमारा कोई बैट्समैन
बीस पच्चीस ओवर खेला नहीं, तो उस वजह से हम लोग उस पोजीशन में नहीं आए, वरना तो अगर कोई भी ख्वाह दानिश हो या आसिफ अली हो शादाब हो, अगर कोई भी इस तरह सेट होता तो फिर आसान होता है इसमें इन विकेटों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई बैट्समैन नहीं। Okay, we will take the English question, please. Sir, can I, sir, my question is, sir. Okay, Ken or Brendan, if you want to ask question, please. Fakir, a wonderful innings today. Congratulations. It was really an absolutely stunning innings that you played today. Was there any point during your innings where you thought, I can take this home for Pakistan, I can actually win this game? Yes, to be honest, in 25th over, I just called Seri Bhai because he knew me very well. So I talked to him and I said, just ask Baba to start my natural game. And because Shubin Shamsi was bowling from the small boundary. So at that time, I was just feeling that I can, in 25th over, that yes, if I start hitting them, so I can win the game for Pakistan. But unfortunately, I tried my best. But yes, it's a good match. Yes, Firdaus, please. Hi, Fakir. Well batted. Just to ask, at the end of your innings, when you, I don't know whether you saw Quinton de Kock gesturing to what seemed to be the non-striker's end. Did you see that? And did you think the ball was going elsewhere? And to be honest, I was just actually when I was running for the second runs, I saw Harris Roof was so late, so I was just looking at him and I was thinking that he got run out. So what can I say? But to be honest, it was my own fault. Thank you very much for joining. Thank you. Excellent. Thank you.